यह है निफ्टी का चार्ट। मान लीजिए आपको लग रहा है कि एक हफ्ते के अंदर निफ्टी गिर सकता है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? या फिर मान लो ये एक स्टॉक है जिसको देख के आपको लगता है कि एक महीने में इसकी प्राइस गिर सकती है, तो अब इसका बेनिफिट आप कैसे उठा सकते हैं और कैसे आप किसी इंडेक्स या किसी स्टॉक की प्राइस गिरने से बेनिफिट उठा सकते हैं? अब मैं जानता हूं कि आप कहेंगे वो तो सिंपल है, मैं शॉर्ट सेलिंग कर लूंगा। लेकिन शॉर्ट सेलिंग तो आप सिर्फ स्टॉक में कर सकते हैं और वो भी आप इंट्राडे में ही करेंगे, लेकिन आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो एक हफ्ते या एक महीने के लिए है। तो इस सिचुएशन में जो हम कर सकते हैं वो है एक कॉन्ट्रैक्ट के फ्यूचर्स को शॉर्ट करना। तो ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है, इसमें ट्रेड कैसे करना है, ये सब कुछ आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें प्रैक्टिकली दिखाता हूं ताकि आपको बेटर समझ आए। तो मैं आ चुका हूं अपने डीमैट अकाउंट पे। वैसे अगर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और यहां पर जाने के बाद मैं किसी भी एक स्टॉक का नाम सर्च करता हूं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है तो इसे एग्जांपल की तरह ही लीजिएगा। तो मैं सर्च कर रहा हूं टाटा मोटर्स। अब जैसे ही मैंने टाटा मोटर्स लिख के सर्च किया है तो आपको ऊपर एक टाटा मोटर्स का स्टॉक देखने को मिल रहा है जो कि एनएससी में है। उसके बाद बीएससी में आपको टाटा मोटर्स का स्टॉक देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बाद यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसके आगे FUT लिखा है, यानी ये एक फ्यूचर्स है और इसके नीचे आपको इसकी एक्सपायरी भी देखने को मिल रही है। तो जो ये FUT लिखा है ये फ्यूचर्स होता है, और इसके बाद जो नीचे आपको OPT लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं जिनमें आपको कॉल एंड पुट भी दिखाई देता है, वो ऑप्शंस होता है। तो ऑप्शंस के बारे में तो हमने काफी बार बात की है और आगे भी बात करते रहेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर्स के बारे में। तो यहां पर ये जो टाटा मोटर्स है ये है इसका फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम देखें कि टाटा मोटर्स के शेयर की प्राइस कितनी चल रही है तो वो चल रही है 941 रुपीज एंड 25 पैसे। और अगर हम 29 फरवरी की एक्सपायरी वाले टाटा मोटर्स का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट देखें तो इसकी प्राइस चल रही है 939 रुपीज एंड 95 पैसा। अगर हम 28 मार्च वाले की देखें तो उसकी प्राइस चल रही है 946 रुपीज एंड 90 पैसे। यानी जो टाटा मोटर्स का शेयर है उससे भी ज्यादा महंगा मिल रहा है उसके अगले महीने का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब टाटा मोटर्स के बाद में कोई दूसरा स्टॉक, जैसे लास्ट ईयर का एक बहुत ही पॉपुलर स्टॉक था RVNL, उसका फ्यूचर्स सर्च करने की कोशिश करता हूं। तो मैंने लिखा है RVNL FUT फ्यूचर्स, लेकिन यहां पर आपको RVNL का कोई भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरे स्टॉक मार्केट में सिर्फ 185 ही ऐसी कंपनीज हैं जिनके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो एक स्टॉक का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे देखना है ये तो आपको समझ आ गया है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इंडेक्स के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। जैसे अगर मैं निफ्टी लिख के सर्च करता हूं तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि निफ्टी का एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी फरवरी की एक्सपायरी भी हमें देखने को मिल रही है, मार्च की एक्सपायरी भी देखने को मिल रही है, अप्रैल की एक्सपायरी भी देखने को मिल रही है। इसके नीचे जो देखने को मिल रहे हैं वो सारे ऑप्शंस हैं। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि अगर आप निफ्टी का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहते हैं तो बेसिकली हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं। या तो हम करंट मंथ का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय करें, या फिर नेक्स्ट मंथ का बाय करें, या फिर उसके नेक्स्ट मंथ का बाय करें। तो ये अभी फरवरी मंथ चल रहा है तो हमारे पास फरवरी, मार्च और अप्रैल के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहे हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इतनी देर से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोले जा रहे हो, लेकिन ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बायर और सेलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर एसेट या फिर किसी इंडेक्स को फ्यूचर में बाय या सेल करने के लिए, जो कि एक प्री डिटरमाइंड प्राइस और एक प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी में होगा। यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल ट्रांजैक्शन तो फ्यूचर में ही होगी, लेकिन उसकी प्राइस, क्वांटिटी और जिस डेट पर ट्रांजैक्शन होनी है वो पहले ही डिसाइड कर ली गई है। जैसे ये आपको एक 29 फरवरी का निफ्टी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है, तो अगर आप इसको बाय करते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक बायर हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि एक फ्यूचर डेट जो कि इस केस में 29 फरवरी है, उस दिन आप इस एसेट को बाय करेंगे जो अभी प्राइस चल रही है उस प्राइस पर। फिर चाहे उसकी प्राइस उस दिन कुछ भी हो जाए, आप आज की ही प्राइस पे बाय करेंगे। और इस केस में जो आपको कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहा है, जैसे आप बाय कर रहे हैं तो कोई ना कोई सेल कर रहा होगा तभी आप उसको बाय कर पा रहे हैं, तो जो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहा है वो आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि 29 फरवरी को वो आपको ये एसेट सेल करेगा उस प्राइस में जिस प्राइस में आपने इसे खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, फिर चाहे उस दिन इसकी प्राइस कुछ भी हो। तो अब अगर मान लो इसकी प्राइस बढ़ जाती है तो आपको ये आज वाली प्राइस में ही मिलेगा, तो इस केस में आपको प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ गई है, लेकिन सेलर को लॉस होगा क्योंकि उसने कम प्राइस में आपको बेचा है और प्राइस तो बढ़ चुकी है। लेकिन अगर प्राइस गिर जाती है तो फिर आपको इसे आज की प्राइस में ही खरीदना होगा, जिससे आपको ये महंगा मिलेगा, तो आपको लॉस होगा और सेलर को प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि निफ्टी बढ़ेगा
तो अभी आप इसे सस्ते में बाय करके फ्यूचर में महंगे में बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि निफ्टी गिरेगा तो फिर आप अभी इसे महंगे में बेचकर बाद में सस्ते में खरीदकर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो अगर मान लो आप एक सेलर हैं और आपने निफ्टी को 22,000 में सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसके बाद जो निफ्टी की प्राइस है वो गिर कर 21,000 पे आ जाती है, तो फिर आप 21,000 की चीज को 22,000 में बेचेंगे जिससे आपको पर क्वांटिटी में 1,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। और आपको पता है कि निफ्टी के एक लॉट में 50 क्वांटिटी होती है, तो आपको एक लॉट में 50,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। और इसका उल्टा अगर मान लो आपने निफ्टी को 22,000 में ही सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है लेकिन निफ्टी बढ़कर 23,000 में चला जाता है, तो अब आपको 23,000 रुपए की चीज 22,000 रुपए में सेल करनी होगी, तो आपको पर क्वांटिटी में 1,000 रुपए का लॉस हो जाएगा और एक लॉट में 50,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्यूचर्स में ट्रेड किया जाता है। दोस्तों हम ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर ना एक डिटेल वीडियो बनाने की सोच रहे हैं लगभग 1 घंटे की। अगर आप चाहते हैं कि हम एक ही वीडियो में आपको पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाएं तो इसके लिए कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आएंगे तो ही हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और कमेंट में आपने लिखना है ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स। अब देखो मैं आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग इसी वीडियो में आगे लाइव करके तो दिखाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आपके लिए फ्यूचर्स ट्रेडिंग के कुछ की फीचर्स हैं जिनको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि जब हम लाइव ट्रेड करें तब आपको सभी चीजें आसानी से समझ आ सके। तो सबसे पहला फीचर जो कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों ही तरह की ट्रेडिंग में होता है वो ये है कि जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है ना ये एक डेरिवेटिव है। और डेरिवेटिव क्या होते हैं? तो डेरिवेटिव बेसिकली हर वो चीज होती है जो कि अपनी वैल्यू किसी दूसरी चीज से डिराइव करती है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं तो मिल्क का जो डेरिवेटिव है वो होता है कर्ड, चीज, बटर एक्सेट्रा। तो इनकी जो प्राइस है वो मिल्क पर डिपेंड करती है। अगर मिल्क की प्राइस बढ़ेगी तो ये सभी डेरिवेटिव्स की प्राइस भी बढ़ेगी, और अगर मिल्क की प्राइस घटेगी तो इन सभी डेरिवेटिव्स की प्राइस भी घटेगी। तो ऐसे ही जो निफ्टी या बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो बेसिकली उसका डेरिवेटिव है। तो उसकी जो प्राइस है, अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है वो निफ्टी के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर निफ्टी बढ़ेगा तो उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी बढ़ेगी, और अगर निफ्टी गिरेगा तो उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी गिरेगी। इसी वजह से इन दोनों का जो चार्ट होता है वो ऑलमोस्ट सेम दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी और उसके फ्यूचर्स दोनों का चार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। जहां पर निफ्टी बढ़ा है वहां पर उसका फ्यूचर्स भी बढ़ा है, और जहां पर निफ्टी गिरा है वहां पर उसका फ्यूचर्स भी गिरा है। इसके बाद फ्यूचर्स ट्रेडिंग का नेक्स्ट फीचर है कि आपको इसमें लेवरेज देखने को मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं कि निफ्टी की प्राइस अभी 22,000 के आसपास चल रही है, और मैंने आपको बताया है कि निफ्टी के एक लॉट में 50 क्वांटिटी होती है, तो अगर आप 50 क्वांटिटी खरीदने जाएंगे तो ये तो आपको 11 लाख रुपए की पड़नी चाहिए, और ऐसे में तो बहुत ही कम ऐसे ट्रेडर्स होंगे जो ट्रेड कर पाएंगे। बट क्योंकि हमें फ्यूचर्स ट्रेडिंग में लेवरेज देखने को मिलता है तो इस वजह से ये जो 11 लाख की वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट है ये आपको सिर्फ उसकी 5 या 10% प्राइस देकर ही मिल जाता है। थर्ड, फ्यूचर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। किन टर्म्स में? उनके कॉन्ट्रैक्ट साइज की टर्म्स में और उनकी डिलीवरी डेट की टर्म्स में। तभी आप देख सकते हैं कि निफ्टी का जो लॉट साइज है वो फिक्स्ड है 50 क्वांटिटी। तो आपको अगर बाय करना है तो आपको मिनिमम 50 क्वांटिटी तो बाय करनी ही होगी जो कि एक लॉट होता है, और अगर उससे ज्यादा बाय करना है तो फिर आपको 100 क्वांटिटी बाय करनी होगी जो कि दो लॉट होते हैं, एंड सो ऑन। और उसकी एक्सपायरी जो है वो भी फिक्स्ड है जो कि हर महीने होती है, और निफ्टी के केस में ये हर मंथ के लास्ट थर्सडे को होती है। तो क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये स्टैंडर्डाइज्ड हैं इसलिए इससे मार्केट में यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है और ट्रेडिंग करने में भी आसानी होती है। फोर्थ, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि एक्सपायरी 5 दिन बाद है या 15 दिन बाद है तो आपको एक्सपायरी तक वेट ही करना है। आप चाहें तो फ्यूचर्स को बाय करने के थोड़ी देर बाद ही इसे प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा होगा उसमें सेल कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में मार्क टू मार्केट सेटलमेंट होता है। यानी यहां पर जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और करंट मार्केट प्राइस के डिफरेंस से निकाला जाता है। तो जैसे ही आप बाय करते हैं उसी टाइम पर आपको प्रॉफिट या लॉस दिखाई देने लग जाता है, और उसके बाद आप चाहें तो उसे सेल करके बुक कर सकते हैं। फिफ्थ, फ्यूचर्स में आपको हर एसेट की 3 तरह की एक्सपायरी देखने को मिलती है। एक होती है करंट मंथ एक्सपायरी, दूसरी होती है मिड मंथ एक्सपायरी, और तीसरी होती है फार मंथ एक्सपायरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी है, जो निफ्टी का इंडेक्स है, उसकी अभी वैल्यू चल रही है 22,122, जबकि अगर हम निफ्टी का फ्यूचर्स देखते हैं फरवरी का तो उसकी वैल्यू चल रही है 22,120। यानी ये जो निफ्टी है उससे डिस्काउंट में मिल रहा है, उससे सस्ता मिल रहा है, जबकि अगर हम मार्च वाली एक्सपायरी में चले जाएं तो ये मिल रहा है 263, यानी जो अभी निफ्टी चल रहा है उससे महंगा मिल रहा है, और अगर हम अप्रैल में चले जाते हैं तो ये तो और ज्यादा महंगा मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर निफ्टी की हमें फरवरी की एक्सपायरी देखने को मिल रही है, और मैं फरवरी में ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये हमारे लिए हो गई करंट मंथ एक्सपायरी। इसके बाद मार्च अगला महीना है,
तो इसको कहते हैं मिड मंथ एक्सपायरी, और अप्रैल अभी बहुत दूर है तो वो हो गई फार मंथ की एक्सपायरी। अब ज्यादातर जो लोग हैं वो करंट मंथ एक्सपायरी में ही ट्रेड करते हैं क्योंकि उसमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है, बट हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप चाहे फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो या फिर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायरी तक ही होल्ड कर सकते हैं क्योंकि उसके दिन वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनवैलिड हो जाता है, तो उस दिन आपको अपनी पोजीशन को एग्जिट करना ही होगा। और अगर आप अपनी पोजीशन को एक्सपायरी के दिन एग्जिट नहीं करते हैं तो वहां पर आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, इसलिए हमेशा जब आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं आपको अपनी पोजीशन को एक्सपायरी के दिन एग्जिट खुद से ही कर देना है। बट कुछ केस में हो सकता है कि आपको लगता है कि ठीक है एक्सपायरी तो आ गई है लेकिन अगले महीने तक ये जो निफ्टी है ये बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और आपने बाय कर रखा है, तो इस केस में आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को रोल ओवर कर सकते हैं। रोल ओवर करने के लिए पहले आपने जो करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रखा है आपको उसको एग्जिट करना होगा, और उसके बाद सेम जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप नेक्स्ट मंथ का बाय कर लीजिए, तो इसी को रोल ओवर कहा जाता है। वैसे जो चीजें मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ ना इतना लोग पेड कोर्स में भी नहीं बताते हैं, तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग के जो कि आपको पता होना चाहिए, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इतना झमेला है फ्यूचर्स ट्रेडिंग में तो फिर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी ही क्यों है, इसका फायदा क्या है? तो देखिए सबसे पहला तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग का फायदा यह है कि इसमें आपको लेवरेज मिल रहा है, तो आप बहुत ज्यादा जो क्वांटिटी है उसको सस्ते में खरीद सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए किसी स्टॉक में ट्रेड करना चाह रहे हैं उसमें आपको लेवरेज मिल जाएगा तो आप सस्ते में ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाएंगे और आप ज्यादा टाइम के लिए उसको होल्ड भी कर सकते हैं क्योंकि एक्सपायरी तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो पहला बेनिफिट है कि आपको लेवरेज मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट है कि जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है ना ये सबसे ज्यादा की जाती है अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए। मान लीजिए आपने कुछ स्टॉक्स बाय कर रखे हैं जिनमें आपको लगता है कि लिक्विडिटी आ सकती है चाहे कोई न्यूज की वजह से, जिसकी वजह से इसकी प्राइस या तो बहुत तेजी से बढ़ सकती है या फिर बहुत तेजी से गिर सकती है। तो अगर आपने वो स्टॉक्स बाय कर रखे हैं और आपको लगता है कि कहीं इसकी प्राइस गिर ना जाए तो आप उस स्टॉक्स के जो फ्यूचर्स ऑप्शन है उनको सेल कर सकते हैं। ऐसे में अगर मान लीजिए उस स्टॉक की प्राइस गिर जाएगी तो यहां पर तो आपको लॉस दिखाई दे रहा होगा लेकिन आपके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ जाती है तो यहां पर तो आपको प्रॉफिट हो ही रहा है लेकिन यहां पर लॉस होगा, तो आपको बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा क्योंकि एक जगह पे आपका प्रॉफिट होगा दूसरी जगह पे आपका लॉस रहेगा, तो आपकी पोजीशन हेज रहेगी। और तीसरा, फ्यूचर्स में बहुत अलग अलग टाइप के एसेट्स होते हैं, आप कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोल बाय करना है आप कोल के फ्यूचर्स ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं जैसे यूएस डॉलर और इंडियन रुपीज के फ्यूचर्स को बाय कर सकते हैं। इवन फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्यूचर्स में करनी कैसे है इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए नीरज जोशी फॉरेक्स ट्रेडिंग और आप ये वाली वीडियो को देख सकते हैं। अब मैंने आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के फायदे बता दिए हैं लेकिन अगर मैं आपको नुकसान ना बताऊं तो ये बहुत गलत होगा, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए फ्यूचर्स ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो ये एक जीरो सम गेम है, यानी अगर आपको प्रॉफिट होगा तो किसी दूसरे को लॉस होगा और अगर उसको लॉस होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो हमेशा याद रखिए कि यहां पर अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो कोई ना कोई पैसे गंवा रहा है, और अगर आप गंवाएंगे नहीं तो फिर दूसरा कमाएगा कैसे। दूसरा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा रिस्की होते हैं, तो इनमें अगर आप एंटर करते हैं तो यहां पर आपको बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। ऑप्शंस में जनरली थोड़ा ज्यादा होती है लेकिन फ्यूचर्स में भी कम नहीं होती, तो आपको बड़े बड़े लॉसेज हो सकते हैं। तीसरा, देखो मैंने आपको बताया कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में हमें मार्जिन मिलता है, लेवरेज मिलता है, जिसको मैंने आपको एडवांटेजेस के रूप में तो बता दिया लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज भी है, और वो ये है कि अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो आपने मार्जिन ले लिया तो उसके बाद अगर थोड़ी भी प्राइस बढ़ेगी और आपने बाय कर रखा होगा तो आपको बड़ा प्रॉफिट तो हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ी भी प्राइस गिरेगी और आपने बाय कर रखा होगा तो फिर आपको बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपने किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रखा है और आप उसको ओवरनाइट होल्ड करते हैं और आपके बाय करने के बाद कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है तो उस केस में आपको बहुत बड़ी लिक्विडिटी देखने को मिल सकती है और आपको बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखने के बाद ही फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जाइए, या कोई भी ट्रेडिंग करते हो तो हमेशा ध्यान रखो कि देखो लॉस तो हो सकता है तो उससे रिलेटेड हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। जनरली लोग सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनकर निकल जाते हैं या फिर स्किप करके वीडियो देखते हैं और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो उन्हें पता ही नहीं चलती है, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही आपको बताते हैं, उसकी नेगेटिव बातें नहीं बताते। तो बहुत ध्यान रखिए कि आप कहां से चीजें सीख रहे हैं। तो अब आपको इसके डिसएडवांटेजेस भी पता चल चुके हैं, बट यहां पर ना आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ये जो फ्यूचर्स हैं एंड जो ऑप्शंस हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ज्यादातर केस में FNO बोला जाता है यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, और इनको साथ में ही यूज किया जाता है, जिसका रीजन भी है कि ये दोनों डेरिवेटिव्स हैं लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। तो चलिए उन डिफरेंस को समझते हैं। तो देखो सबसे पहला जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो ये है कि जो ऑप्शन बायर होता है
उसके पास ऑप्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करवाए या फिर ना करवाए। लेकिन जो ऑप्शन सेलर होता है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि अगर ऑप्शन बायर उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करवाना चाहे तो ऑप्शन सेलर को करना ही होगा। लेकिन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में दोनों के ऊपर ऑब्लिगेशन होती है, अगर बायर बाय करना चाहता है तो सेलर को सेल करना होगा, और अगर सेलर सेल करना चाहता है तो फिर बायर को बाय करना ही होगा। दूसरा, फ्यूचर्स में आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस में अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आपका जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि वहां पर आपने सिर्फ प्रीमियम पे किया है, जबकि ऑप्शन सेलर का लॉस जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है। दूसरा जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो ये है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर दोनों को ही अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस में जो ऑप्शन बायर होता है उसको प्रॉफिट तो अनलिमिटेड हो सकता है लेकिन लॉस उसका लिमिटेड होता है, और वो उतना ही होता है जितना प्रीमियम उसने पे किया है। और इसके बाद नेक्स्ट, इन दोनों के बीच के एक डिफरेंस की बात करें तो देखो, अगर आप किसी ऑप्शन को बाय करना चाहते हैं तो वहां पर आपको सिर्फ प्रीमियम पे करना होता है, जो कि अगर आप निफ्टी का बाय करेंगे तो 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 में आपको एक लॉट बाय कर सकते हैं। ये हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना चाहते हैं तो वहां पर आपको उस कॉन्ट्रैक्ट की पूरी वैल्यू देनी होती है। वो अलग बात है कि आपको वहां पर मार्जिन मिल जाता है, जिस वजह से वो आपको कॉन्ट्रैक्ट सस्ता मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में आप उसकी पूरी वैल्यू ही पे कर रहे हैं। बट मार्जिन मिलने के बावजूद भी वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना फ्यूचर का, वो आपको ऑप्शन बाइंग के कंपैरिजन में बहुत महंगा देखने को मिलता है। और इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है कि जब आप एक ऑप्शन को बाय करते हैं तो वहां पर आपके पास दो तरह के ऑप्शन होते हैं, चाहे तो आप पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए या फिर आप कॉल ऑप्शन को बाय कर लीजिए। पुट ऑप्शन को बाय करेंगे तो आपको प्राइस गिरने से प्रॉफिट होगा, कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे तो आपको प्राइस बढ़ने से प्रॉफिट होगा। लेकिन फ्यूचर्स में कोई भी पुट या कॉल जैसे ऑप्शन नहीं होते हैं, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो आप उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय कीजिए या फिर सेल कीजिए। तो अब आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बीच में डिफरेंस समझ आ गया है, तो चलिए अब मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूं। ये ट्रेड सिर्फ एक एग्जांपल के लिए है, तो यहां पर जो ट्रेड मैं आपको दिखा रहा हूं ये एक बहुत पुराना ट्रेड है, ये इवन 6 महीने पुराना ट्रेड है, जो कि मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूं, और वो भी इसलिए क्योंकि अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस टाइम पर शाम के 7 बज चुके हैं, जिस टाइम पर हमारे लिए ट्रेड लेना पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद जो आपको ट्रेड दिखाई देगा वो कुछ महीने पुराना है, लेकिन आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए देखना है तो आप उसको देखकर समझ सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक लाइव फ्यूचर्स ट्रेड लेकर भी दिखा देता हूं, और इसके साथ ही मैं आपको कुछ चीजें प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा। तो हम हमारे डीमैट अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं, अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर आप एक बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा। तो फ्यूचर्स ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले आपको अपना सेगमेंट एक्टिवेट करना होता है, जिसके लिए आपको अकाउंट सेक्शन में जाना होगा, और यहां जाने के बाद आपको प्रोफाइल में जाना होगा, और प्रोफाइल में जाने के बाद लास्ट में आपको डेरिवेटिव एंड इक्विटी ट्रेडिंग का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग है इसको आपने एक्टिव करना होगा, ये मैंने ऑलरेडी एक्टिव कर रखा है तो इसलिए आपको यहाँ पर टिक दिखाई दे रहा है, आपको इसे पहले एक्टिवेट करना होगा तभी आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर पाएंगे। तो जब आप इसको एक्टिव कर लेते हैं उसके बाद अगर आप किसी भी फ्यूचर्स को बाय करना चाहते हैं तो आपको सिंपली उस स्टॉक का या फिर उस पर्टिकुलर इंडेक्स का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए अगर आप निफ्टी का फ्यूचर्स बाय करना चाहते हैं तो आपने निफ्टी लिखकर सर्च करना है। अब जैसे ही आप निफ्टी लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऊपर ही FUT यानी फ्यूचर्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें 3 तरह के निफ्टी के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहे हैं। एक है 31 अगस्त का निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है 28 सितंबर का, और तीसरा है 26 अक्टूबर का। तो जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें जो मंथ अभी चल रहा है उसी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाई देता है। जैसे अभी अगस्त का मंथ चल रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद अगला महीना सेप्टेम्बर का है तो वो हमारा नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके बाद जो मंथ है वो अक्टूबर आएगा, तो ये हमारा जो अक्टूबर है ये हमारा फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट है। और यहाँ पर तीनों की डेट इसलिए अलग है क्योंकि जो निफ्टी के फ्यूचर्स की एक्सपायरी होती है वो लास्ट थर्सडे को होती है, तो इन तीनों डेट्स में लास्ट थर्सडे पड़ रहा है उस पर्टिकुलर मंथ का। इसके साथ ही हमने आपको एक लॉट साइज के बारे में भी बताया था, तो हर इंडेक्स का और हर स्टॉक का अपना एक लॉट साइज होता है। जैसे निफ्टी के लॉट साइज की बात करें तो अगर हम इसे बाय करने जाएंगे तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 50 है, यानी अगर आप निफ्टी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहते हैं तो इसमें आपको 50 क्वांटिटी बाय करनी होगी। और ऐसे ही अगर मान लीजिए आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो आपने सबसे पहले रिलायंस लिखकर सर्च मारना है। अब क्योंकि रिलायंस एक स्टॉक है इसलिए आपको यहां पर EQ यानी इक्विटी लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो आप नीचे अगर जाएंगे तो आपको फ्यूचर्स लिखा हुआ भी दिखाई देगा। इसके साथ ही यहाँ पर एक FNO का भी ऑप्शन है, तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहे हैं, एक है 31 अगस्त का, दूसरा है सेप्टेम्बर का, और तीसरा है अक्टूबर का। और अगर हम इस पर क्लिक करेंगे जो कि हमारा करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है 31 अगस्त का, और इस पर बाय करने पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसका जो लॉट साइज है वो 250 का है।
यानी अगर आप रिलायंस का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक लॉट बाय करना होगा जिसमें 250 क्वांटिटी आएंगी। अब क्योंकि आप जानते हैं कि रिलायंस के इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है वो 2490 रुपीज चल रही है, तो अगर आप इसकी 250 क्वांटिटी बाय करेंगे तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो निकल कर आएगी 6.23 लाख रुपीज। यानी इतने रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट है, यानी इतने रुपीज आपको देने चाहिए, लेकिन आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने आपको बताया है कि यहाँ पर आपको मार्जिन मिलता है जिसमें आप 15-20% पैसे देकर ही इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप इसका एक लॉट बाय करना चाहते हैं जिसकी जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो लगभग 6 लाख रुपए के आसपास की है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू निकालने के लिए जो अभी फ्यूचर्स की प्राइस चल रही है ना उसको उसका जो लॉट साइज है उससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस केस में आप 2490 रुपीज एंड 50 पैसा को 250 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6.23 लाख रुपीज निकल कर आएगा। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें फ्यूचर्स ट्रेडिंग में मार्जिन मिलता है, तो इसलिए आप इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को जिसकी वैल्यू 6.23 लाख रुपीज है उसको 1,10,000 रुपीज में बाय कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक लाइव फ्यूचर्स ट्रेड लेकर दिखाता हूँ। ये मैं रिलायंस का फ्यूचर्स ट्रेड बाय कर रहा हूँ। आप चाहें तो रिलायंस के अलावा किसी और स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हैं जो कि फ्यूचर्स में ट्रेड होता है, और चाहें तो निफ्टी या बैंक निफ्टी जैसे किसी इंडेक्स में भी आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं रिलायंस में कर रहा हूं तो इसलिए मैं यहां पे सर्च करता हूं रिलायंस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप रिलायंस लिखकर सर्च करेंगे तो क्योंकि ये एक स्टॉक है तो यहां पर आपको इक्विटी में नजर आएगा, लेकिन क्योंकि मुझे इसे फ्यूचर्स में बाय करना है तो मैं थोड़ा नीचे जाकर भी देख सकता हूं। तो यहां पर मुझे फ्यूचर्स वाला एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है तो मैं करंट मंथ का ही कॉन्ट्रैक्ट बाय करता हूं। बाय करने के लिए मुझे बाय पे क्लिक करना है और इसके बाद मैंने एक लॉट डाल दिया है जिसकी जो प्राइस है वो 1,10,733 रुपए चल रही है। ध्यान रखिएगा कि ये सब कुछ मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूं, तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस पे फोकस नहीं करना है, आपने अपनी लर्निंग पे फोकस करना है। तो क्योंकि मैं रिलायंस का यहां पर एक लॉट बाय करने जा रहा हूं इसलिए नंबर ऑफ लॉट्स में मैंने 1 लिखा है, और इसके साथ ही मैं इसे मार्केट प्राइस में बाय करने जा रहा हूं इसलिए मैंने मार्केट सेलेक्ट कर लिया है। अब क्योंकि मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं इसलिए मैं अभी स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा हूं। तो जैसे ही मैंने इस पे ऑर्डर पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी पोजीशन में आ चुका है और इसमें फिलहाल मुझे अभी 375-525 रुपीज का लॉस नजर आ रहा है। मैं जल्दी से इसमें अपना एक स्टॉप लॉस भी लगा लेता हूं ताकि मुझे ज्यादा लॉस ना हो। तो ये मैं लगा रहा हूं 2484 रुपीज का और इसको मैंने कंफर्म पे क्लिक कर दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका है और यहाँ पे मुझे लॉस हो गया है। अब ध्यान रखिएगा कि ये ट्रेड मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए लिया था कि फ्यूचर्स ट्रेड कैसे लेना है। अगर आप कभी भी ट्रेड लेते हैं तो इसके लिए पहले आपको प्रॉपर रिसर्च करनी होती है और उसके बाद ही आप ट्रेड लेते हैं। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा रखा था। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप देखें कि मैंने 31 अगस्त की एक्सपायरी का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय किया था, लेकिन जैसे ही मैंने इसे बाय किया उसके 5 मिनट के बाद ही मैंने इसे सेल कर दिया। यानी भले ही इसकी एक्सपायरी 31 अगस्त की है लेकिन आप जब चाहें तब उसे बाय कर सकते हैं और जब चाहे उसे सेल कर सकते हैं, और चाहें तो आप 31 अगस्त तक इसको होल्ड भी कर सकते थे। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में बिल्कुल फ्री में सीखना चाहते हैं तो यहां पर आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिल रही है, आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। धन्यवाद।